ये जो शिखर आप देख रहे हैं, यह हजारीबाग शहर मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खपरियावा ग्राम के भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर है। आगामी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि यानी कि तारीख 4 नवंबर 2017 है। मेले में यह जो आंगन है श्रद्धालुओं से भरा रहता है। ये मंदिर का पूर्व द्वार शिखर, अभी जो हम लोग मंदिर देखते हैं, यह मंदिर प्राचीन मंदिर का नवनिर्मित स्वरूप है। वहाँ जो आप पिलर देख रहे हैं, उस वह पिलर दामोदर मिश्र जी के वंशजों का नाम अंकित है उसमें। तो कहा जाता है कि दामोदर मिश्र भगवान नरसिंह की प्रतिमा को काकभुसुंडी पर्वत से यहाँ सन 1645 ईस्वी में लाकर स्थापित किए थे। प्राचीन मंदिर भी काफ़ी भव्य थी और यह मंदिर का नया रूप भी काफ़ी भव्य है। लंबा चौड़ा आंगन है, भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार के रूप में, चौथे अवतार के रूप में भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ था, जैसा कि कथा हम लोग जानते हैं कि प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकश्यपु के बहुत ही विभिन्न प्रकार से मांगे गए वरदान के तोड़ के रूप में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। वो वरदान भी काफ़ी अद्वितीय तरह का था। उसमें हिरण्यकश्यपु का मानना था, भगवान से मांगा था कि ना मैं मनुष्य से मरूँ, ना पशु से मरूँ, ना देवता से मरूँ, ना दानव से मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना आकाश पे मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, और तो और सालों साल भर के 12 मास में मैं इन्हें मरूँ। ये माता काली का मंदिर। इधर भगवान विष्णु के दसों रूप ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो भगवान ने इस हिरण्यकश्यपु के वर को देखते हुए एक रूप धारण किया, नरसिंह रूप, जिसमें भगवान ना तो नर थे और ना ही पशु थे, ये नरसिंह थे। हिरण्यकश्यपु को ना तो इन्होंने दिन में मारा, ना रात में मारा, इन्होंने गोधूलि बेला में मारा। हिरण्यकश्यपु को ना तो जमीन पर मारा, ना आसमान में मारा, इन्होंने अपने गोद में रख कर मारा। हिरण्यकश्यपु को ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, इन्होंने उसे अपने नाखूनों के द्वारा चीर कर मार डाला। और तो और साल के 12 मास में नहीं, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने एक नए मास की रचना की थी, नए महीने बनाया था, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम मास हर एक 3 वर्षों में आता है, विक्रम संवत के पंचांग में, जिसे अधिक मास हम लोग कहते हैं, या देहात के भाषा में इसे मलमास कहा जाता है। यही मलमास भगवान ने हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए निर्मित किया था। ये दशावतार मंदिर काफी भव्य रूप, और ये भगवान नरसिंह का भव्य मंदिर मैं पूरा यहाँ से दिखला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी भव्य रूप यहाँ से दिख रहा है। यह विशाल आंगन, काफ़ी भव्य मंदिर दिख रहा है। यह जो दर्शन, दिव्य दर्शन हो रही है। मैंने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया, और जानकारी होगी तो हम लोग फिर मिलते हैं। ऐसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन अर्थात 4 नवंबर को यहाँ आए और यहाँ लगने वाले मेले का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद।